रास्ते में तकलीफ आए तो उससे भिड़ो मत, उससे लड़ो मत, रुको मत। हंसने वालों खूब हंसो, लेकिन तुम मुझको रोने दो, आगे बढ़ते रहो, बेदार रहो, आगे बढ़ते रहो, आने वाली नस्ल का ख्याल रखो। अगर हम में कुछ कमी रह गई तो हमारे बच्चों में ना रहे। हर कौम वही कल काटेगी जो खेत में आज उगोती। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक, अल्लाह फरमा रहा वही है, वो तो वो है जिसने अपने रसूल को भेजा बिलहुदा व दीनिल हक, हिदायत और दीन हक के साथ। लियुज़हिरहु अला दीन कुल, ताकि वो गालिब कर दे इस दीन को सारे दीनों पर। अल्लाह ने भेजा, भेजने वाला खुदा। कभी कभी आप भी किसी को भेजते हो ना, निगम में भेजते हो, असेंबली में भेजते हो, अरे चुनकर भेजते हो ना। लेकिन जिसे चुना गया है वो बड़ी शान से, बड़ी फख्र से, या कभी हकीकत बयान करने की बात हो तो हकीकत बयान करते हुए कहता है कि मुझे फला फला नहीं चुना। वो किसी का दबदबा बहुत ज्यादा था, वर्क बहुत ज्यादा, चाहत बहुत ज्यादा, किसी की पब्लिसिटी बहुत ज्यादा, मकबूलियत बहुत ज्यादा, तो कहता मुझे तो पूरे जिला ने चुना। कोई कहता है मुझे पूरे प्रदेश ने चुना। ऐसे कहने वाले भी मिलेंगे, कहेंगे मुझे पूरे देश ने चुना, हर एक ने चुना, सब ने चुना। तो कोई ऐसा ताकत वाला पैदा हो जाए कि मुझे पूरी दुनिया ने चुना, दुनिया के हर बाशिंदे ने चुना, सब ने चुना। ये वो लोग जिनको तुम चुनते हो वो कह रहे हैं कि मुझे इलाके वालों ने चुना, मुल्क वालों ने चुना, सूबे वालों ने चुना, मुझे सब ने चुना। मगर एक चुनी गई हस्ती वो थी जो ये कहना चाहती है, मुझे जो पसंद हो, मुझे जो अच्छा लगे मैं वो कहूंगा। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि मुझे तुम सब ने चुना, बल्कि इस्तफानी रब्बी, नबी कहते हैं तुम सबके रब ने मुझे चुना। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान। एक चुना हुआ वो था जो बरमला ये कहता नजर आया, इस्तफानी रब्बी, मेरे रब ने मुझे चुना। अब रब ने चुना, चुनकर भेजा, शान बयान। हुवल्लज़ी अरसला रसूल, आयते करीमा तुम्हें बताना चाहती, जरा गौर से सुनना, अलर्ट होकर इस बात को, महबूब का मर्तबा उजागर हो रहा है शायद। अल्लाह ताला ने जो बयान किया उसका तर्जमा साफ साफ है, लेकिन इस आयत के अंदर और क्या क्या चीजें मिल रही वो जरा गौर से सुन लेना। हुवल्लज़ी, महबूब को पहचानना चाहे तो पहचानना जरूरी भी है, इसको पहचानोगे तभी सबको पहचान पाओ। हुवल्लज़ी वही है। अब कोई आपसे सिर्फ इतना कह के चुप हो जाए आपको कुछ समझ में नहीं। ये उन और वो जो, ये उर्दू में होता है, अरबी में हुआ है, अल्लज़ी है, उसी को हुआ और अल्लज़ी। अल्लाह फरमाता है हुवल्लज़ी, इसमें मौसूल और जमीर का जिक्र, अभी इबहाम है, अभी पोशीदगी है, अभी पर्दे हैं कि ये कौन है, किसकी बात, वही कौन, वही वो कौन। मगर जब अल्लाह ताला ने आगे फरमा दिया अरसला रसूलहु, अपने रसूल का जिक्र किया, रसूल का जिक्र आया, रसूल के जिक्र से हम खुदा को पहचान गए। इस तरह सिला के बगैर मौसूल की मार्फत मुश्किल, मर्जा के बगैर जमीर की मार्फत मुश्किल, रसूल के बगैर खुदा की मार्फत मुश्किल। आयते करीमा में ये भी एक पैगाम मिला, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक, वही है जिसने अपने रसूल को भेजा हिदायत और दीन हक के साथ।